नमस्कार वेष्टि वेष्टि पर आज आप सभी का स्वागत करती हूँ सावन स्पेशल शिव जी के मंडप के साथ मैंने शिव जी के लिए बनाया मंडप अपने मॉस रोज से मॉस रोज है मेरा छोटे फूलों वाला तो मेरे मंडप में खेलेंगे छोटे छोटे फूल आप चाहें तो बड़े फूलों वाला मॉस रोज चुन सकते हैं या फिर चुन सकते हैं अपना ये पर्सन इसमें भी बड़े बड़े फूल आएंगे मर्जी आपकी आपको छोटे फूलों वाला मंडप चाहिए या बड़े फूलों वाला है ना जब बड़े फूलों वाला बनाएंगे तो आपके खेलेंगे बड़े बड़े से फूल मैं ऊपर से कुछ रख के आपको लुक दिखा रही हूँ अदरवाइज मेरा छोटे फूलों वाला मंडप है क्योंकि मेरा वाला मॉसरोच रोज छोटे फूलों वाला है कुछ एक डंठल बड़े फूलों के भी आ गए तो कुछ एक फूल आपको दिख जाएंगे बाकी मोस्टली छोटे फूलों वाला और इस मंडप के नीचे मैंने विराजमान कर दिए अपने शिवलिंग जो मैंने पिछले सावन में बनाए थे अपने घर के बने शिवलिंग और मुफ़्त का अपना ये प्लास्टिक का कंटेनर जो हम सबके घरों में पड़ा होता है मैंने थोड़ा गहरा वाला लिया है है ना कई बार जब मार्केट से सामान आता है तो कुछ कंटेनर्स गहरे होते हैं तो गहरा वाला मैंने लिया है और चार लकड़ियाँ ली मैंने ये देखिए लकड़ियाँ भी हम सब गार्डन में जो प्रोनिंग की पड़ी रहती हैं तो मैं तो सारी लकड़ियाँ संभाल के रख देती हूँ कभी ना कभी काम आती हैं उन्हीं में से चार लकड़ियाँ चूली लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं और देखिए उसी मिट्टी में मैंने चारों लकड़ियाँ गाड़ दी मिट्टी गीली होगी आराम से लकड़ियाँ घुस जाएंगी आप चाहें तो लकड़ी में पॉलीथिन लपेट सकते हैं जिससे कि आपकी लकड़ी गले नहीं और मौस रोज की लंबी लंबी सी डंठल मैंने तोड़ के और यहाँ पर लगा दिया था लगभग एक महीना पहले जिससे कि अच्छे से ग्रो हो जाए तो आपको दिखा सकूँ और उन डंठल्स को मैंने इसी लकड़ी के सहारे देखिए बीच बीच में एक दो जगह से बांध दिया सुतली से तो ये आराम से जो डंठल थे ये ऊपर फैलने शुरू हो गए अब ऊपर देखिए मैंने किया कि इसी कंटेनर का ढक्कन जो अक्सर आप लोग फेंक देते हैं उस ढक्कन को मैंने लिया चारों तरफ छेद बनाए और ये जो लकड़ी हमने नीचे डिब्बे में घुसाई थी इस लकड़ी को निकाला ढक्कन के छेद से बाहर और वहाँ पर भी लकड़ी और इस ढक्कन को इस सुतली के सहारे बांध दिया जिससे कि ढक्कन हमारा वहीं फिक्स रहेगा जहाँ पर हमने मंडप के लिए लगाया ढक्कन हमारा नीचे खिसक के नहीं आएगा है ना मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं है बस ढक्कन को टिकाए रखने के लिए आपको लकड़ी को ऊपर से ढक्कन के साथ बांधना होगा जब ये बेल हमारी फैलेगी तो ऊपर जाके फैलती रहेगी नीचे से आप चाहें तो इसको जो जो बढ़ेगी थोड़ी सी ग्रोथ होगी तो दोबारा से आप इसको रस्सी के सहारे यूं करके बांधते जाएंगे तो आपका मंडप को वही शेप बरकरार रहेगा जो आपने दिया था और अगर चाहते हैं तो नीचे से अपना पिंच करते जाइए ऊपर आपके फूल ही फूल खिले होंगे मंडप के ऊपर तो है ना अपने खूबसूरत आइडिया जब खूबसूरत से इसमें फूल खिलते हैं तो कई महीनों तक ये मंडन आपके गार्डन की शोभा बनेगा चलिए एक और दूसरा तरीका देखते हैं छोटी वाली बॉटल्स जो आप अक्सर फेंक देते हैं तो छोटी वाली बोतलों से भी बहुत कुछ हो सकता है ये देखिए वही छोटी सी बॉटल एक और प्लास्टिक का मैंने डिब्बा लिया उसमें मिट्टी भरी और कुछ कटिंग्स मैंने अपने इस पर्सलन के लगा दी इस बोतल में ये भी लगाना बहुत आसान है सब कुछ आपको सामने ही दिख रहा है बस आपको ध्यान रखना है कि इस कंटेनर में आप बनाएंगे ड्रेनेज होल और ये जो बोतल छोटी सी मैंने मिट्टी में घुसाई है इस बोतल में भी आस पास चार पाँच छेद मैंने कर दिए हैं जिससे कि इस पौधे को प्रॉपर हवा जाती रहे जिससे हमारा ये पौधा गले नहीं अब यहाँ पर हमें कुछ कटिंग्स चाहिए होंगी आप पर्सलिन लगाना चाहते हैं या मॉस रोज़ लगाना चाहते हैं उसी पौधे की चाहिए कटिंग्स बोतल के मुँह में कुछ कटिंग्स डाल देंगे जितनी आ सकती हैं और बोतल में नीचे से हम लोग भर देंगे मिट्टी आप देख रहे होंगे बोतल में भी मिट्टी भरी है ऊपर की जो इसकी गर्दन है वो थोड़ी सी खाली है बाकी बोतल में नीचे मिट्टी भरी है है ना जिससे कि ये जो हमारी कटिंग्स हैं ये मिट्टी में रहेंगी तो ही तो लगेंगी अगर हम बोतल में यूं ही डाल के छोड़ देंगे कटिंग्स हमारी नीचे वाले कंटेनर तक नहीं पहुंच पाएँ तो ये कटिंग्स नहीं बन पेंगी तो हमें करना क्या है बोतल को नीचे से हमें थोड़ा सा काटना है देखिए बोतल का इतना हिस्सा मैंने काट के बाहर कर दिया था कटिंग्स डाली बोतल में मिट्टी भर दी और फिर नीचे वाले कंटेनर में घुसा दिया एक ये देखिए इस तरह से बोतल काट के भी आप लगा सकते हैं ये मेरे पिछले साल की है नीचे से कटिंग कुछ दिनों से नहीं करी है तो कुछ एक इस नीचे भी लटक के आ गई हैं अदरवाइज अगर आप नीचे नहीं लटकने देंगे तो ऊपर के साइड ही फूल खिलेंगे तो तीनों में से जो भी आइडिया आपको अच्छा लगा हो तो आप भी अपने पर्सलन को मॉस रोज को इस तरीके से लगा सकते हैं अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर सकते हैं और हमारे परिवार से जोड़ने के लिए आइकन भी दबा सकते हैं बहुत जल्द फिर से मिलूंगी तब तक के लिए धन्यवाद